राइट? फॉर एग्जाम्पल प्राइस है, बल्कि इसकी एक अच्छी एग्जाम्पल है जो आगे भी मैं हेल्प करेगी। प्राइस है कार्ड्स की, हंड्रेड से 200 हुई। और उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है फॉर कार्स, वो 2000 से कम होकर 1500 रह जाए, तो देखिए पॉइंट क्या है इसमें। पॉइंट माशाल्लाह, सारे मेच्योर हैं। अब सुने, प्राइस भी कार्स की है और डिमांड भी कार्स की है, तो इसका मतलब क्या हुआ? जिस प्रोडक्ट की प्राइस है उसी की ही डिमांड है। इलास्टिसिटी कैसे करेंगे कैलकुलेट? याद है आपको, ये मैंने करवाया था आपको। और रिप्लाई तो करें साथ साथ। याद है हम लोगों ने किया था ये सारा। करें इसकी जरा कैलकुलेशन, बताइए इसका आंसर, बताएं जल्दी करें आंसर, कैलकुलेट करें क्विकली। बताएं जी इसका आंसर, बताएं। कैलकुलेशन करेगा बता। -0.42 लेजर। कौन बताएगा, ये इलास्टिक है या इनलास्टिक? सॉरी, इलास्टिक है और इनलास्टिक? लेस इलास्टिक। लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि प्राइस की वजह से चेंज हुआ है डिमांड।
इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो थोड़ा डिफरेंट है, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है थोड़ी सी डिफरेंट है। उसमें क्या होता है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन इनकम। अगर आपके पास ज्यादा इनकम आएगी तब भी आपकी डिमांड चेंज होती है। लेकिन यहां एक नया टॉपिक, नया कॉन्सेप्ट है, एक नया कॉन्सेप्ट है, वो क्या है कि जो इनकम इलास्टिसिटी डिमांड है उसका डिमांड से डिफरेंट रिलेशनशिप है। उसका डिफरेंट रिलेशनशिप होगा डिमांड के साथ। क्यों? फॉर नॉर्मल गुड्स एंड फॉर इंफीरियर गुड्स। ये जरा गौर से सुने, फिर से आप लोगों ने तवज्जो सुनना है ताकि आपको ये आइडिया हो कि नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर का इंपैक्ट क्या है। देखें, नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनकी प्राइस अगर चेंज हो तो लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग डिमांड चेंज हो जाती है। Like 10, 20 प्राइस इंक्रीज हुई, डिमांड डिक्रीज होगी। इसे इकोनॉमिक्स में नॉर्मल गुड्स कहते हैं कि जनाब इनकी प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड के साथ इनका ऑपोजिट रिलेशनशिप होता है। लेकिन इनफीरियर गुड्स क्या होती हैं? इंफीरियर गुड्स में जब प्राइस इंक्रीज होती है तो इंफीरियर गुड्स में उसमें उनकी डिमांड उल्टी काम हो जाती है। सॉरी, यहां आप लोगों को मुझे बताना चाहिए था सर, आपको यहां बताना चाहिए, आप लोगों को मुझे वहां इंटरप्ट करना चाहिए था कि सर हम इनकम इलास्टिसिटी पढ़ रहे हैं तो आपको यहां इनकम का वर्ड यूज करना चाहिए, इसलिए कॉन्सेप्ट भी चेंज होगा, टेबल भी चेंज होगा। जब इनकम इंक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड बढ़ जाती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाती हैं। लेकिन इन्फीरियर के केस में जब इनकम इंक्रीज होती है इनकी डिमांड कम हो जाती है।
इसमें आप लोगों को सर लोग लोबिया की जगह चिकन फिर खाना शुरू कर देते हैं। जी, अभी बात कर लेते हैं इस पे, जरा एग्जांपल्स के जरिए भी कर लेते हैं। जो नॉर्मल गुड्स होती हैं, नॉर्मल गुड्स लाइक आप देखिए पेट्रोल, पेट्रोल का क्या केस है जी? जो ही आप लोगों की इनकम इंक्रीज करती है, आप हाई सीसी कार्स पे चले जाते हैं, बाइकर्स जो है वो कार पे आ जाते हैं, छोटी कार वाले हाई सीसी पे चले जाते हैं, जहां बाइक पे जाया करते थे वहां गाड़ियां ज्यादा आना शुरू हो जाएंगी। तो क्या होगा, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा? इनकम के इंक्रीज होने से डिमांड भी इंक्रीज हो जाएगी, राइट? तो लेकिन अगर ये बीफ है, तो जो ही लोगों की इनकम इंक्रीज होती है, लोग बीफ पहले से कम बाय करते हैं ताकि स्विच करें, स्विचिंग ओवर टू सुपीरियर्स। लोग सुपीरियर गुड्स की तरफ प्रेफर करते हैं। लोग कहते हैं यार अब अमीर हो गए तो चले अच्छे शॉपिंग मॉल से शॉपिंग करते हैं, अच्छे रेस्टोरेंट से खाना खाते हैं। तो कुछ चीजों की डिमांड रिलेटिवली आप कम कर देते हैं। कैलकुलेशन तो अब करने की जरूरत नहीं, बार बार तमाम स्टूडेंट जरा चैट में मुझे रिप्लाई कर दें, कैलकुलेशन करने की जरूरत तो नहीं बार बार ना, वो तो आप कर लेंगे। ओके जी, इसका मतलब ये हुआ कि हम जनरल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं इनकम का नॉर्मल गुड्स के साथ और इंफीरियर गुड्स के साथ डिफरेंट रिलेशनशिप है। क्रॉस प्राइस में मैंने भी आपसे क्या कहा था, होगी प्राइस लेकिन ऑन नहीं होगी बल्कि अदर प्राइस होगी। लाइक क्वांटिटी डिमांड फॉर ए है और प्राइस फॉर बी। अब इसमें ए एंड बी क्या है? सब्स्टिट्यूट भी हो सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं। सब्स्टिट्यूट भी हो सकते हैं और कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं। सब्स्टिट्यूट में हम क्या देखते हैं? ऑल्टरनेटिव्स, और कॉम्प्लीमेंट में जॉइंटली डिमांडेड। जी बिल्कुल ऐसी ही, सब्स्टिट्यूट के अंदर सीएनजी एंड पेट्रोल और जॉइंटली डिमांडेड में पेट्रोल एंड कार। सो मेनी एग्जांपल्स। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसमें बहुत सारे एमसीक्यूज जनरेट हो सकते हैं।
लाइक अगर सीएनजी अपनी प्राइस इंक्रीज कर दे या फॉल कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा समझ आता है इससे। सीएनजी अगर प्राइस कट कर दे तो डिमांड फॉर पेट्रोल कम हो जाएगी। कौन बताएगा इसकी रीजन? इसकी रीजन कौन बताएगा? इस ऑपोजिट रिलेशनशिप में, प्राइस और डिमांड में ऑपोजिट रिलेशनशिप की रीजन कौन बताएगा? Shifting towards CNG. Yes. और इधर अगर हम बात करें पेट्रोल और CNG की, पेट्रोल में मुझे बताएंगे आप लोग, अगर पेट्रोल की प्राइस बढ़ जाए तो कार्स की डिमांड क्या होगी? जी, पेट्रोल की प्राइस इंक्रीज होने से उसकी डिमांड कम हो जाएगी कार्स की, कार यूजर्स एडवर्सली इफेक्ट होंगे ना, कार यूजर बैडली इफेक्ट होंगे। अब क्या होगा? होगा ये इलास्टिसिटी आएगी नेगेटिव और ये इलास्टिसिटी आएगी पॉजिटिव। इसका मतलब ये हुआ, इलास्टिसिटी नेगेटिव कब आती है? फॉर सब्स्टिट्यूट्स अब आपने इसको याद रखना है, एमसीक्यूज में आ सकता है, याद रखिए एमसीक्यूज में इस तरह टेस्ट हो जाते हैं। इफ क्रॉस प्राइस इट इज -2.5 देन ए सब्स्टिट्यूट्स एंड लेस इलास्टिक सब्स्टिट्यूट्स एंड मोर इलास्टिक कॉम्प्लीमेंट इलास्टिक कॉम्प्लीमेंट एंड लेस इलास्टिक। करेक्ट आंसर इज बी।
इस तरह से कॉन्सेप्ट्स में से आपके एमसीक्यूज भी जनरेट हो सकते हैं। राइट जी, अब चुके हम थोड़ा सा आगे आ चुके हैं इलास्टिसिटी में। नाउ द वेरी वेरी टेक्निकल और इंपॉर्टेंट टॉपिक है सुने अब सब। अगर फर्म अपनी प्राइस इंक्रीज करे अगर फर्म अपनी प्राइस इंक्रीज करे तो सबको पता उसकी डिमांड कम होनी है, बताएं। बोलिए, तो ये बात होता है कि प्राइस कम होने से डिमांड बढ़नी है और प्राइस के ज्यादा होने से डिमांड ने कम होना है, लेकिन उसका रेशियो चेक करें क्या है। रेशियो ये है, इधर का परसेंटेज चेंज बताएं, किसका ज्यादा चेंज है, कहां परसेंटेज चेंज ज्यादा है जी। इसका मतलब फर्म ने अपनी प्राइस डबल कर दी लेकिन उसकी जो डिमांड है उसमें कोई बहुत वाइटल चेंज नहीं आया, कोई साइजेबल चेंज नहीं उसका, उसकी वजह से उसकी रेवेन्यूज में देखिएगा, पहले उसका रेवेन्यू जब वो 10 रुपीज पे था तो 200 था, अब 20 पे आने की वजह से रेवेन्यू कितना होगा 360, राइट। इसका मतलब ये हुआ, इफ इफ प्रोडक्ट इज less elastic then बताएं क्या, which one would be correct, listen। Now please tell which one is correct।
राइट, अगर यहीं से हम थोड़ा सा छुपा कर हाइड करके आपसे पूछूं, इफ डिमांड इज इलास्टिक इंक्रीज रेवेन्यू फ्रॉम विल, इंक्रीज प्राइस, डिक्रीज प्राइस, नो चेंज, जी कमर कह रहे हैं ए, स्पीना कह रही है ए, द करेक्ट ऑप्शन इज ए, करेक्ट ऑप्शन इज ए। करेक्ट ऑप्शन इज ए। इस तरह से चीजें मैंने देखे ना, मैंने ए लिखा ना, और मैंने तसल्ली से ए कहा, दो तीन बार ए कहा। जी जी फिजा ठहर जाए ना, मैंने आराम से ए कहा, सबको ए कहा। सर आपको तो कॉन्सेप्ट के मुताबिक चलना है ना, आपको रिजिस्ट करना चाहिए कि नहीं सर, आपको रजिस्टर करना चाहिए। बोले आप गणेश जी ने, सर ये नहीं है। द बी लॉजिकली चले ना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह होगा, अगर इलास्टिक है तो डिक्रीज इन प्राइस विल, और अगर लेस इलास्टिक डिमांड है हाँ जी, आप बताएं इससे एग्री करते हैं सबके, नहीं करते हैं? सर इससे एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? राइट, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई,
इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई. कोई फर्क नहीं है, सेम है, बस जहां डिमांड था वहां सप्लाई आ जाएगा. तो फिर बाकी बताने की जरूरत तो नहीं मुझे, इलास्टिक कब होगा, लेस इलास्टिक कब होगा, वो तो सेम रहेगा ना. ई मोर देन वन, लेस देन वन, फॉर्मूला क्यू टू माइनस क्यू वन एवरेज क्वांटिटी, पी टू माइनस पी वन एवरेज प्राइस एटसेट्रा. बताइए, डिटेल्स करवाने की जरूरत तो नहीं इसकी मुझे. जी एग्जैक्टली, द डिफरेंस ऑफ द डायरेक्शन इफेक्ट, बिकॉज लॉ ऑफ सप्लाई में डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं और कोई डिफरेंट नहीं होगा, कतई तौर पे कुछ नहीं होगा. लेकिन अगर फर्क डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, ये इंपॉर्टेंट है और ये थोड़े डिफरेंट हो जाएंगे. बस इतना याद कर लें, एक पॉइंट सब लोग वैसे ही याद कर लें, ताकि डिटर्मिनेंट समझाने में मुझे थोड़ी सी ज्यादा आसानी हो जाएगी. इफ इतना से याद कर लें, बस. और इतना सा अगर आप लोग याद कर लें तो बस डिटर्मिनेंट्स मुझे समझाने में आसानी रहेगी. एक लाइन और लिखने लगा हूं नीचे आप लोगों के लिए, समझाने के लिए सिर्फ. वो ये है, हाउ मच चेंज इन हाउ मच चेंज इन सप्लाई पॉसिबल quickly if you can change supply quickly elastic, if you cannot change supply less elastic. याद कर लें, if ये जरा म्यूट कर लें अपनी साइड पे, अजान जहां हो रही है. If you can change supply of a product quickly elastic, if you cannot change supply quickly to less elastic.
यहां से डिटर्मिनेंट देखिएगा, टाइम टू सप्लाई जी जी मैं बता रहा हूं, डिटर्मिनेंट्स का मतलब है देखें, इफ इफ चेंज इन सप्लाई इज पॉसिबल क्विकली देन इलास्टिक सप्लाई क्विकली देन बस ये एक वर्ड है, इसको अगर आप लोग ध्यान में रखेंगे तो काफी आसानी रहेगी हमें। जी फिजा यहां तक समझाए पॉइंट? चलिए अब सुने, टाइम टू सप्लाई गुड्स, तो इलास्टिसिटी को, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को सबसे पहले टाइम डिटरमिन करेगा कि आपके पास गुड्स सप्लाई करने के लिए कितना टाइम है। If short time, then less elastic supply. क्यों? Short time में सबको पता है फौरी supply increase नहीं हो सकती। Long time होगा तो इलास्टिक सप्लाई, इसका सबसे पहला डिटरमिनेंट टाइम होगा कि अगर आप ज्यादा टाइम देंगे मुझे प्रोडक्ट सप्लाई करने के लिए तो मैं आसानी से सप्लाई कर सकता हूं और उससे मेरी जो इलास्टिक सप्लाई है वो और हो जाएगी। और अगर आप मुझे कहते हैं नहीं सर इमीडिएटली मुझे इसी वक्त गुड्स चाहिए तो फिर लेस इलास्टिक सप्लाई होगी क्योंकि मैं इंक्रीज नहीं कर सकूंगा सप्लाई फॉरन, राइट? ठीक है ना, यहां तक समझ आया ना पॉइंट? अच्छा जी, लेंथ ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो क्विकली प्रोड्यूस हो सकती हैं, शॉर्टर टाइम रिक्वायर्ड
कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको नहीं, हम लॉन्ग टाइम चाहिए होता है प्रोड्यूस करने के लिए। कोई एग्जांपल देगा शॉर्टर की? शॉर्टर लेंथ ऑफ प्रोडक्शन की एग्जाम्पल, यस गुड एग्जाम्पल, गुड एग्जाम्पल, यस। Making pen versus air conditioners. Right? Making shirt versus growing cotton. क्लियर है तक जी? अच्छा, जितना टाइम कम चाहिए होगा आप आसानी से सप्लाई इंक्रीज कर सकते हैं, और जितना टाइम आपको ज्यादा चाहिए होगा उतनी आप मुश्किल से सप्लाई इंक्रीज कर पाएंगे। बताएं जी, समझ आया ना तो पॉइंट? सर शर्ट का ऑर्डर तो आप 1 घंटे में पूरा कर सकते हैं, कॉटन तो नहीं ग्रो की जा सकती 1 माह में, 15 दिन में, 20 दिन में। ओके स्पेयर कैपेसिटी, स्पेयर कैपेसिटी, हैव कैपेसिटी एंड डोंट हैव कैपेसिटी, हैव कैपेसिटी एंड डोंट हैव कैपेसिटी। अगर आपके पास रिजर्व कैपेसिटी है प्रोडक्ट प्रोड्यूस करने की, इलास्टिक कैपेसिटी नहीं है तो लेस इलास्टिक कैपेसिटी प्रोड्यूस करना पड़ेगी पहले। अगर पहले से ही कैपेसिटी मौजूद है तो फिर तो आसानी से हो जाएगा। गेटिंग पॉइंट? Have capacity and don't have capacity में ये पॉइंट समझ आ गए? Capacity के अलावा ability to switch resources, have ability and don't have
एबिलिटी अगर तो रिसोर्स स्विचिंग पॉसिबल है अदरवाइज नेट कनेक्टेड disconnected sudden you know it's okay now I have seen already you know it's checked here okay shut the door no problem it has come from all side you acha isme dekhiyega ji ab bataiye voice clear hai Rosen for okay acha ab dekhna hai ki kya matlab hai resources ki switching पॉसिबल है या नहीं है मुझे एक बात बताएं अगर स्कूल बैग्स का आपने यूनिट लगाया हुआ है आप स्कूल बैग प्रोड्यूस कर रहे हैं और सडन आपको ऑर्डर मिल जाता है लेडीज बैग का क्या आप उसी उन्हीं प्लांट पे वही स्टिचिंग मशीन्स वही कटिंग प्लांट वही वर्कर्स वही टेबल्स वही सिस्टम में थोड़े बहुत रॉ मटेरियल चेंजेस करके कैन यू मीट दिस ऑर्डर और नॉट इट मींस यू हैव एबिलिटी टू स्विच रिसोर्सेस then you can easily increase supply of ladies bag okay or don't have ability ki example kar lete hain you have plant of school bags and new order is of like furnitures bataye So can you meet order quickly? Answer is no. We need a different structure. We need different setup to meet the requirement. So ultimately, it is not possible to switch resources quickly. So the supply elasticity would be less, isn't? ये जी आज हमारा टॉपिक यहां कंप्लीट हो गया एक तो आप लोगों ने ये करना है जी जी मैं करने लगा फिजा उधर ही जा रहे हैं हम एक तो आप क्वेश्चन बैंक ओपन करें और क्वेश्चन बैंक में चैप्टर नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 एक तो इसके एमसीक्यूज करेंगे आप लोग सारे राइट एक तो आप ये करें इनके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर लें और दूसरा बुक से जो आप कह रहे हैं
जी ये देखिएगा बुक में चैप्टर 3 के अंदर, चलिए सब लोग बुक्स अगर आपके पास हैं हाँ जी ये है जी चैप्टर में 3, इसका नोट करते हैं साथ साथ। पेज नंबर 68, पेज नंबर 68, प्रैक्टिस ऑफ 70 एंड 71। ये सिंपल प्रैक्टिस है। 73, 4, एंड 79। आप लोगों ने क्रैमिंग कुछ नहीं करनी, आपको पता है आपका MCQs यानी कि CB है 81, पेज में 81। क्रैमिंग कुछ नहीं करनी आप लोगों ने, जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग करें। और पेज नंबर 87 एंड दैट्स इट। इतना अभी आपने करना है जी। और चैप्टर 3 के MCQs ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज़।